हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हो। तो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स की प्राइमीवेरा P6 की क्लास के अंदर। आज हमारी थर्ड क्लास है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि WBS को कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपने पिछली दो क्लासेस को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर जो है WBS क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट में जाना होता है। यहाँ दो मॉनिटर टाइप के बटन होते हैं, इनको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद लेफ्ट यहाँ राइट में जाएंगे, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है WBS यहाँ पर ऐड हो चुकी है। आप देखिए दोस्तों, WBS में आप देखेंगे DE आपका जो है प्रोजेक्ट कोड है और WBS का नाम भी यहाँ पे दिखा रहा है, द्वारका ये प्रोजेक्ट का नाम दिखा रहा है आपका, ठीक है। उसके नीचे जो आपने WBS क्रिएट किया है ना, तो वो है 1। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो 1 जो है, देखिए आप जैसे यहाँ पर जो है हम लोग इसको क्लिक करेंगे ना, इसका नाम चेंज करने की कोशिश करेंगे WBS का, तो देखिए यहाँ पर DE.1 आ चुका है। तो मतलब ये आपके क्या है, फर्स्ट WBS है, ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। तो WBS फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं की माइल स्टोन हमने कर दिया, ठीक। फर्स्ट हमारा जो है की माइल स्टोन हमारा क्या है, फर्स्ट WBS है, ठीक। उसके बाद हम जब सेकंड ऐड करते हैं WBS को, तो देखिए ये इसके नीचे ऐड हो रही है, जबकि हम चाहते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट बनाना, एक WBS इंडिपेंडेंट बने। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेफ्ट में क्लिक करना होगा। तो WBS जो है अब प्रोजेक्ट के नीचे एक दूसरी WBS आपकी बन चुकी है और इसको हम नाम दे देते हैं क्या, इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क हमने नाम दे दिया। अब हम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग वर्क्स के नीचे हमारी WBS बने, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और WBS के नीचे देखिएगा आप जब यहाँ पर नेम के WBS नेम पे क्लिक करेंगे, तो देखिए क्या हो चुका है इसका सीरियल ऑर्डर DE.2.1, मतलब DE.2.1, तो ये इसका WBS हो चुका है, ठीक। अब इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, इसको लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, क्या लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स। देखिए क्या होता है, हम सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में ना बहुत सारे हमारे माइलस्टोन होते हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं या बहुत सारे हमारे WBS होते हैं, तो वो कितने भी आप बना सकते हैं। आपको जो है प्लम्बिंग का वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, HVAC होता है, फायर फाइटिंग होता है, तो ये अलग अलग WBS होते हैं, हेड्स होते हैं और इनके नीचे अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो हमें अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम WBS बना रहे हैं। एक्टिविटीज को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि एक्टिविटीज कैसे बनाते हैं WBS के अंडर। तो अभी देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर WBS बना रहे हैं, ठीक है। तो पहली हो गई कंस्ट्रक्शन वर्क, ये किसके नीचे है, इंजीनियरिंग वर्क्स के नीचे। अब कंस्ट्रक्शन वर्क के नीचे हम एक एक्टिविटी और बनाए, एक WBS और बनाते हैं, जिसको कि हम नाम देंगे सब स्ट्रक्चर वर्क, ठीक है। क्या देंगे, सब स्ट्रक्चर वर्क, ठीक है। सब स्ट्रक्चर वर्क क्या है, हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क के नीचे एक WBS है। फिर उसके नीचे एक और क्रिएट कर देते हैं, इसको देते हैं सुपर स्ट्रक्चर वर्क, स्ट्रक्चर वर्क्स, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर वर्क्स हो गया। अब सुपर स्ट्रक्चर वर्क जो है हमारी दूसरी WBS हो गया। अब आप चाहते हैं कि एक फिनिशिंग की हम लोग एक जो है WBS क्रिएट कर देते हैं, सॉरी यहां पर हम लोग करेंगे फिनिशिंग। हम चाहते हैं ये जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के नीचे WBS बने, ना कि हम इसको सब स्ट्रक्चर के नीचे, सुपर स्ट्रक्चर के नीचे। तो इसके हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट क्लिक कर देंगे। तो चाहते हैं कि ये सुपर स्ट्रक्चर वाली जो हमारी WBS है, ये भी किसके नीचे जाए, ये भी हमारी। इस तरीके से तीन अलग अलग WBS हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग WBS को क्रिएट करते हैं। अब WBS क्रिएट कर रहे हैं आप यहाँ पर, उसके बाद जो है हम चाहते हैं, हम सुपर स्ट्रक्चर में जैसे कई बार क्या होता है कि वेरिएशन वगैरह हम लोगों के आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर WPS और डॉक्स में जाना होता है, ठीक है। WPS और डॉक्स में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है WPS में जाएंगे, यहाँ ऊपर इसको क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, WPS में जाएंगे और यहाँ से हम लोग एक नई ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका वेरिएशन लिख सकते हैं आप, यहाँ पर मान लीजिए आपका टाइल वेरिएशन है, टाइल वेरिएशन, तो यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हैं, रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं कि वेरिएशन क्लोज हुआ या पेंडिंग है, रिव्यूज़ में है, कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है, वो आप यहाँ से जो है कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है, अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी एक्टिविटी बनाई है तो उसको आप चाहते हैं कि नीचे जो है कॉपी करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है आप कॉपी भी कर सकते हैं। इस जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है एक ही तरह के कई बार जो है हमारी WBS होती हैं, तो हम उनको कॉपी भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये इसके नीचे जो है कॉपी हो जाए, तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं आप कंट्रोल करके, जो है आपको कौन कौन से क्या माइलस्टोन, क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ अभी है नहीं हमारी, तो इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो अदरवाइज जो है आप इस तरीके से उनको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो है इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ पर जो प्लस का निशान है इसे आप एक्सपेंड और कोलैप्स भी कर सकते हैं, ठीक। तो आप चाहते हैं यहाँ से जो है इनको एक्सपेंड और कोलैप्स करना, वो कर सकते हैं यहाँ से। आप देखिए हमारी ये कॉपी हो चुकी है, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ से जो है कोलैप्स ऑल हो जाए, तो कोलैप्स ऑल हो गया। इसके आगे जो है कितनी एक्टिविटी आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वन बाई वन भी खोल सकते हैं। इस तरीके से आप जो है एक्टिविटीज़ को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो आप जो है कोलैप्स टू, यहाँ से लेवल भी कोलैप्स कर सकते हैं। अभी हमारे पास 6 लेवल हैं, आप चाहते हैं थर्ड लेवल तक कोलैप्स हो जाए, तो थर्ड लेवल तक कोलैप्स हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर WBS को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर WBS को आप अगर देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से जो है आप इसका सबसे पहली बात तो फॉन्ट और कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से,
कहाँ जाना आपको, ये लेआउट में जाना है, WBS के लेआउट में, यहाँ से जाएंगे आप जो है, और यहाँ पर आपको फॉन्ट और कलर में आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फॉन्ट और कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर WBS का। उसके बाद जो है यहाँ से अपन टॉप, तो WBS जो है टेबल में दिखाएगा इस तरीके से। आप चाहते हैं इसका लुक चेंज करना गैंट चार्ट में देखना तो गैंट चार्ट में देख सकते हैं, आप चाहते हैं इसको चार्ट व्यू में देखना तो चार्ट व्यू में देख सकते हैं। ये चार्ट फॉन्ट कलर हो गया, जूम इन कर सकते हैं आप चाहें तो, जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है, जूम आउट कर सकते हैं आप चाहें तो, फिट टू जो है बेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। लेफ्ट हो गया, देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए अगर आप चाहते हैं राइट में हो जाए तो राइट में हो गया, देखिए राइट में हो गया। आप चाहते हैं इसको सेंटर में करना तो सेंटर में देख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो हो गया दोस्तों, ये आपकी जो है WBS का कैसे क्रिएट करते हैं, आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, आप कैसे इनमें जो है WPS को डाल सकते हैं। अर्न वैल्यू की जो है ये वाला टेबल हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें कैसे करते हैं हम लोग। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो ये आपको WBS क्रिएशन का पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी को कैसे जो है यहाँ पर एड ऑन करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप अपनी सेविंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सेविंग्स अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सेविंग्स आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बाइंडिंग शेड्यूल, रेट एनालिसिस, ड्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रीकंसिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं, किसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविलिंग स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप पांचवीं से लेकर डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स तक क्यों नहीं है, हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।